दोस्तों, अगर आपको पता होता कि क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए क्रेडिट स्कोर के क्या क्या फैक्टर हैं, आपको क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है, आपका जो भी क्रेडिट स्कोर है वो इम्प्रूव कैसे होता है लोन रीपेमेंट करने से, तो अभी तक आपको सिर्फ यही पता होगा जो भी हम बैंक या फिर किसी फाइनेंस सर्विस से लोन लेते हैं उसको हम टाइमली अगर इसका रीपेमेंट करते हैं तो हमारा क्रेडिट स्कोर है वो जनरेट होता है, और अगर हम टाइम से अपना रीपेमेंट करते हैं तो हमारा क्रेडिट स्कोर है वो इम्प्रूव होता रहता है। बट गाइस, इस वीडियो में आपको मैं पूरे क्रेडिट स्कोर को जो इम्प्रूव करने के जो भी फैक्टर हैं पूरी जो डिटेल है आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो को एंड तक देखते रहिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सभी वीडियो की इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ पाए। तो गाइस, जैसा कि आपको पता होगा क्रेडिट स्कोर हमारा 350 से 900 के बीच में रहता है। अगर इसको हम इम्प्रूव करना चाहते हैं या फिर क्रेडिट स्कोर को हम जनरेट करना चाहते हैं, अपने क्रेडिट स्कोर को एक जगह मेंटेन रखना चाहते हैं, तो जो भी हम रीपेमेंट करते हैं फिर चाहे वो क्रेडिट यूटिलाइजेशन हो, सभी बातों का हमको ध्यान रखना जरूरी है। तो गाइस, अभी मैं आपको 5 पॉइंट बता रहा हूं जो क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करने में, क्रेडिट स्कोर को बढ़ाने में मैटर रखते हैं। तो गाइस, सबसे पहला आता है पेमेंट हिस्ट्री। पेमेंट हिस्ट्री, अगर आप किसी बैंक या फिर फाइनेंस कंपनी से लोन लेते हैं, जो भी उसकी ईएमआई होती है, आप उसकी ईएमआई कितने टाइम में रीपेमेंट करते हैं, टाइमली रीपेमेंट करते हैं या फिर आप अपनी ईएमआई को बाउंस करते हैं, मिस करते हैं, तो इसका 35% इम्पैक्ट आपके क्रेडिट स्कोर पर रहता है। अगर आप अपने लोन की ईएमआई को, इंस्टॉलमेंट को टाइमली पे करेंगे तो 35% इम्पैक्ट आपका क्रेडिट स्कोर में रहेगा और आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होता रहेगा। दूसरा गाइस आता है हमारा क्रेडिट यूटिलाइजेशन। अगर आपके पास में एक क्रेडिट कार्ड है या फिर आपके पास में कोई ऐसा लोन है जिसमें आपको एक लिमिट मिली है, तो उस लिमिट को क्रेडिट यूटिलाइजेशन के जरिए आपको ओनली फॉर 30% लिमिट को यूज करना होता है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड की या फिर आपके पास में कोई ऐसा लोन है जिसको हम फ्लेक्सी लोन भी कहते हैं, उस लोन लिमिट में से अगर आप 30% से ज्यादा लोन लिमिट को यूज करते हैं, अपने अकॉर्डिंग क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन करते हैं, तो यहां पर भी आपका इंपैक्ट पड़ता है। 30% इंपैक्ट आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन पर होता है। थर्ड पॉइंट हमारा आता है क्रेडिट हिस्ट्री। 15% का मैटर रखता है आपके क्रेडिट स्कोर में। अगर आप अपने लोन को लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे, ज्यादा टाइम पीरियड के लिए अगर आप कोई भी लोन प्रोवाइड करते हैं, तो आपका क्रेडिट स्कोर उतना ही बेहतर रहेगा। बट वही अगर आप किसी कम टाइम के लिए या फिर कम टेनर को सूज करते हैं अपने लोन को लेते समय, तो यहां पर आपका 15% इंपैक्ट आपके क्रेडिट स्कोर पर रहता है बैड तरीके से। जैसे कि आपके कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन हो गए या फिर कोई ऐसा लोन है जो 6 मंथ से भी कम है, तो आपके क्रेडिट स्कोर पर 15% का बैड इफेक्ट पड़ सकता है। तो आप कोशिश कीजिए कि 18 मंथ से अबव ही आप अपने लोन का टाइम पीरियड है वो सूज करें, ताकि आपके क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होता रहे और आपके क्रेडिट स्कोर में कोई भी इंपैक्ट ना आए। गाइस, फोर्थ पॉइंट आता है क्रेडिट टाइप। क्रेडिट टाइप में आपका 10% मैटर रखता है क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव करने में। क्रेडिट टाइप से हम समझ सकते हैं जो भी हम लोन लेते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, सिक्योर एंड अनसिक्योर। अगर आपके सिबिल स्कोर में, क्रेडिट स्कोर में ज्यादा अनसिक्योर लोन की लिस्ट होगी, तो वहां पर आपका 10% इंपैक्ट पड़ेगा आपके सिबिल स्कोर पर। वही अगर हम बात करें आपकी क्रेडिट लिस्ट में, अगर सिक्योर लोन ज्यादा है, जितने ज्यादा आपके सिक्योर लोन होंगे, सिक्योर क्रेडिट कार्ड होंगे, उतना ही आपका क्रेडिट स्कोर बेहतर रहेगा और 10% इंपैक्ट के साथ आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होता रहेगा। लास्ट पॉइंट है हमारा रीसेंट एक्टिविटीज। रीसेंट एक्टिविटीज में गाइस वो सभी लोन आते हैं जो आप अपने प्रीवियस में लोन के लिए अप्लाई करते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आप किसी क्रेडिट कार्ड या फिर लोन के लिए अप्लाई करते हैं और वही अगर आपका कार्ड या फिर कोई भी लोन की एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाती है या फिर आपके लोन की एप्लीकेशन अप्रूव भी हो जाती है, तो रिसेंट में आपने टोटल कितने लोन के लिए अप्लाई किया है, कितने आपके डिक्लाइन हुए हैं,
या फिर रिसेंट में आपने कितने लोन को एक्टिव किया है। यहाँ पर 10% इम्पैक्ट आपका क्रेडिट स्कोर पर रिसेंट एक्टिविटीज का भी ज्यादा है। तो गाइस आपको कोशिश करनी है कम से कम लोन को आप अप्लाई करें। अगर आपके कार्ड की लोन की एप्लीकेशन डिक्लाइन होती है तो आपको यहाँ पर 6 to 12 months का वेट करना है, उसके बाद ही आप अपने लोन को या फिर क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करें। तो रिसेंट एक्टिविटीज में आपकी इनकवरी भी आती है जो आप लोन या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए करते हैं। तो गाइस यही 5 points है जो आपके क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करने में या फिर डाउन करने में हेल्प करते हैं। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ में और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सभी वीडियो की इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ पाए।